बेबिया हवा होई ये नाना तो मैया के पूजा करबो तो बेबिया हवा होई ये नाना तो मैया के पूजा करबो तो बेबिया हवा होई ये नाना तो मैया के पूजा करबो तो बेबिया हवा होई ये नाना तो जी तरी मजी मुसावा के मरते बोलैया रे भगता इसमें आए आप तमाम श्रद्धालुओं का मैं शिवम सिंह यहीं से पैर छू के प्रणाम करता हूं, एक ताली बजा के आशीर्वाद दीजिएगा। और यहां हैदराबाद से कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ उठाइएगा। हैदराबाद से कितने लोग हैं, तो आइए सबसे पहले हैदराबाद के लिए चार लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि ये हैदराबाद है मेरे दोस्त, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। ये हैदराबाद है मेरे दोस्त, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं, जिसे आज तक किसी ने पछाड़ा नहीं। और एक बार जहां गाड़ दिया हैदराबाद वालों ने अपना झंडा, किसी माई के लाल ने आज तक उसे उखाड़ा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। मायनपुर ना भैरो बाबा, मायनपुर ना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। कैसे कि बम बम बोल। अभी हमारा हाल ही में एक गाना आया था भैया सारे का हम भोजपुरी चैनल से, आप लोग बहुत लोग बहुत सारा प्यार भी दिए उस गाने को। गाने का बोल था, अरे सुना रानी से रही बिहार के हई, दूसरे में बेटा रंगदार के हई। कौन कौन सुना है, थोड़ा हाथ उठा के बताइएगा तो। वाह क्या बात है। और अभी हाँ। एगो नचनिए करण कि एगो नचनिए करण कनिया के भुलाई रे गईला ना, एगो नचनिए करण कनिया रे भुलाई रे गईला ना।
भैया महिपाल रेड्डी जी हमारे आदरणीय एमएलए स्टेज पे आ गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़े भाई केतारी लाल यादव जी का। आइए आप सबके बीच हमारे बड़े भैया केतारी लाल यादव जी पर हो चुका है जोरदार ताली। और हमारे आदरणीय भाई बाब रेड्डी एमएलए साहब के लिए भी I love you। और सामने वाला खोलिए सामने वाला हाँ उसको बढ़ाइए थोड़ा सा। बताओ तू माइक नहीं संभाल पाओ मेहरारू कैसे संभाल पाओ। चलिए थैंक यू सो मच कि दोबारा इस जगह पे आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेने का मौका और सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे महिपाल रेड्डी इधर आइए चाचा जी इधर आइए। ऐसे इंसान अगर 20 को हो जास ना तो केसरिया सही अरबपति हो जाए। अरबपति मतलब पैसे की अरबपति नहीं, अरबों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है। हमारी संपत्ति आप सब हैं। खेसारी के पास कितना दौलत है कितना पैसा है ये कोई नहीं देखने जाता है। इनके पास कितनी दौलत है कितनी शोहरत है ये कोई नहीं देखता, बस ये देखता है कि इंसान कितने अच्छे हैं। मैं इसीलिए इनको धन्यवाद बोलता हूँ कि आज हैदराबाद शहर में जहाँ तेलुगु और तमिल बोला जाता है और जिगिया चूसता चल रहा है वहाँ पे उठलाली से रोटी बोर के खा रहे हैं हम लोग, ये कम नहीं है। हम अपने बिहार यूपी झारखंड को छोड़ के अपने भाषा से बहुत दूर एक ऐसे राज्य में है एक ऐसे स्टेट में है जहां भोजपुरी को देखा भी नहीं जाता होगा, भोजपुरी ये लोग जानते भी नहीं होंगे। उसके बावजूद भी हमारे भाषा से आज महिपाल रेड्डी चाचा को इतना प्यार है इतना सम्मान करते हैं कि एक भोजपुरी कलाकार को सिर्फ आप सबके लिए आपके बेटा को आपके भाई को हमारी अक्षरा जी को आप लोग जानते ही है। इतनी प्यारी एक्ट्रेस इतनी प्यारी सिंगर आज ये कोई पर्चे की मोहताज नहीं है। हम लोगों ने बहुत काम किया है आगे भी करते रहेंगे आप सबके प्यार के लिए जो अच्छा होगा हम कोशिश करेंगे करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि महिपाल चाचा के लिए कितना जोरदार ताली और हल्ला करके कि पूरा तेलंगाना हिल जाए। और एक चीज है आज से 5-6 दिन बाद इलेक्शन है, अगर जीत गए ना चाचा तो इसी जगह पे फिर से हम और अक्षरा सिंह आएंगे और हिला के चले जाएंगे। तो हल्ला करके बताओ जीताओगे ना। ये मेरे आन बान शान की बात है, खेसरिया ऐसे नहीं आता। पिछली बार आया था मुझे दुख हुआ था, इसलिए दुख हुआ था कि जगह कम था, हमने के संख्या तो कम नहीं थे, बहुत सारी बिल्डिंग पे लोग चढ़ गए थे, डर ये लग रहा था बिल्डिंग अब ऐसा नहीं है मुझे खाली सब लोहे से बनल बा कौनो खाली सीमेंट बालू को हो तो पता चल जे गुजरात वाला भूकंप फिर मार दलस।
तो इसलिए मैंने चाचा से बोला था कि चाचा अगर अगली बार बुलाइएगा तो ग्राउंड इतना बड़ा लगे हो छोटा लग रहा है, ये भी छोटा पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम का चाहता रहो कि एक बार एयरपोर्ट पर प्रोग्राम हो का। चलिए नेक्स्ट टाइम हम चाचा बोल रहे हैं कि 100 एकड़ में लगाएंगे, 100 एकड़ में नहीं, 100 एकड़ में मत लगाइए, इसी को थोड़ा सा स्टेज को पीछे कर दीजिएगा तब सब लोग आ जाएंगे। राखा अभी तक हम मरदे के बैरिकेड तुरंत देख मेहरारू बैरिकेड ना तुरे ली सर माई आई देखा भाई पहले मरदे लो बैरिकेड तुरंत भाई हमारा हम जान तो है हमारे यूपी बिहार के महिलाओं में भी पावर बहुत है। जब बस तुर के आगे बढ़ गई सर ये होता है पावर। तो महिपाल चाचा के लिए एक जोरदार ताली फिर से और हल्ला करके और इनका निशानी जो है कार छाप है। तो कोशिश करिए जी अगली बार आए तो मैं तो आई रहा हूँ, अक्षरा जी आई रही हैं, एको तो गौरी हीरोइन लेके आएंगे और तीसरी बार आएंगे तो मंदिर बना के जाएंगे यहाँ से। और मैंने इनसे बोला था संदीप भाई हमारे टच में रहते हैं, मैंने बोला कि इनको विधायकी उधायकी मत लड़ाइए, इनको एमपी बनाइए और एकदम मंत्रालय में देखना चाहते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों के लिए हर वो सुविधा मिलता रहे हम बिहारियों के लिए, हम भोजपुरी भाषाओं के लिए, ताकि अभी बताइए विधायक है तो हम लोगों के लिए इतना सोचते हैं, अगर जिस दिन मंत्री बन जाएंगे तो पता चल जाए एक बिहार यूपी के एगो अलग साम्राज्य चलता है। तो बस कोशिश करिए, ये आपके प्यार में है तो इस प्यार से कभी वर्जित मत करिएगा, अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं आया जरूर हूँ, पिछली बार आया था तो एक मेरा भाई भी था मेरे साथ और उस भाई को मिस तो कर रहा हूँ मैं, बट आप लोग को चीज़ें ठीक है होता है समय के साथ सब कुछ बदलाव होता है। ये इतने मजबूत आदमी हैं कि उस घटना के बाद भी आप सबके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं, ये कोई पिता दूसरा नहीं कर सकता है, धरती का कोई पिता नहीं कर सकता है कि उतनी बड़ी घटना बेटा खोने के बावजूद भी इन्होंने आपके मनोरंजन के और आपके दिल की बातों को सुना, ये कोई दूसरा पिता होता तो करता ही नहीं। इस पिता के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। तो लव यू थैंक यू। मैं चाहता हूं अक्षरा जी कुछ कहिए। अंदर की नमस्कारम हैदराबाद, सब केहू के हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं, गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं। आज एहजा इतना बड़ जगह पर इतना खूबसूरत उपलक्ष पर आवे के मौका मिलल है, ओ खातिर महिपाल रेड्डी जी के बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक नेक इंसान एक नेक व्यक्ति हैं, जिनकी दूर दूर तक चर्चाएं हैं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे पूरे रास्ते इनकी बातें होती रही, बहुत कुछ जानने को मिला सर, और इनकी अच्छाई जितनी बोली जाए उतनी कम है। इसी खूबसूरत मौके पर आज आप लोगों के बीच उपलब्ध जिस तरीके से हम और खेसारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, इतने बड़े कार्यक्रम में आप लोगों के लिए हम लोग बंबई से चलकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ महिपाल जी की वजह से। सर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और एक बार खाली हल्ला करे से ना चली जितावे के बाद जिताई का ना शामिल से मेरे तो पूरे भाई लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मनोज जी XML बात करने चाह रहे,
जाके शामिल हुए से मेरे पूरे भाई लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मनोज जी XML बात करने चाह रहे, का हो ठीक बाजा, हमान का बात भइल रहा वो घड़ी, खेसारी भैया कले रहा कि ग्राउंड छोट बा, लेकिन यो ग्राउंड बा तो लगा था कि छोट हो गल हो, लेकिन घबरा जा मत, अगले बार जीतले के बाद जब सम्मान समारोह हो, जब मंत्री बन जाइ तो एहू ले बड़ ग्राउंड में कार्यक्रम करावल जाई, हाथ उठा के बतावा जा जितावल जाई ना, चाहे तोहन जानी कना इच्छा है भैया, उठाइए हाथ सब बता दीजिए, क्योंकि कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, एक हमारे यही तो है कि इसमें टोपी वाला भी और टीका वाला भी दोनों शान से रहता रहल जाएगा ना, तो इन्हों का कर्जवा उतारल जाए कि नहीं, खेसारी भैया अपन वादा निभौला, एकरे बदे बहुत बहुत इनका धन्यवाद, इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा और आज आते समय गाड़ी में यही बात हो रही थी, कह रहे थे विधायक जी आप जितने बार हम उड़ाएंगे हम उतने बार आने का काम करेंगे, हमारे तो छोट नाती हो वो आल है, कहता है कि हम खेसारी मौसा के देखे चला, एगो गाना इनकर प्यारी वाला है तो कहता है कि प्यारी मौसी भी आई है का, हम कहे हाँ आई है, वो आल है मौसा मौसी के देखे बदे, चुनाव चिन्ह तो मालूम है ना कार हुआ का, वह पकड़ी रफ्तार लगल जाए ना मजबूती से, तो ज्यादा टाइम ना हम बाद में बोलब तो है जानी से, बाद में भाषण हो सकती आई पहले सुनल जाए कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे रिला जी अक्षरा जी प्रोग्राम को शुरू करिए, हमके तो समझ में ना आवत है कि हम हैदराबाद में है कि यूपी बिहार में, मुझे याद है 10 साल पहले इसी हैदराबाद में अगर हम कहते थे कहीं कि पठान चरू रहते हैं तो लोग कहते हैं कैसे पठान चू रहा हो जाए तो नाका न देवल जाले इतनी पॉल्यूशन हुआ, लेकिन मैं बधाई दूंगा GMR साहब को, ये महिपाल अन्ना की देन है, यहाँ हम लोगों को स्वस्थ किए, इस वातावरण को भी शुद्ध कराने का काम किए, इसके लिए बधाई देता हूँ मैं आज, इसलिए गाना बजाना तो ठीक लेकिन थोड़ा सीरियस बात भी होनी चाहिए, जानते हैं हम लोग यहाँ से, बाबू जरा ये बंद कर दो, जरा इसको बंद करो, थोड़ा सा सीरियस 2 मिनट की बात होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, और 10 साल पहले इसी जगह पर याद होगा आपको कि बिजली बराबर मिलती रही थी हमारी कंपनी, 3 दिन चलती थी और 4 दिन बंद हो जाती थी, याद है ना, आज हम लोगों को बहाना करना बिजली के लिए नहीं करना पड़ता है, और ये जान तक जितना लड़का हुआ MLA हमें लगा था कि 70% बिना ब्याह कैले हुआ, और विधायक जी आपके लिए फंक्शन हॉल बनवाने के लिए जगह देने का काम किए हैं 800 का, दूसरी बात जिसको जगह मिला है डबल बेड सिंगल बेड और जिसको नहीं मिला है, मैं आप लोगों से कह के जाता हूँ विधायक यहीं पर है, सरकार 75 गज जमीन सरकारी देगी और 3 लाख रुपया उस पर बनाने के लिए देने का काम होगा, मैंने अपने लाइफ में बहुत स्टेट घूमने का काम किया हूँ, खुद मुल्लापुर हम चुनाव लड़ा
लेकिन हमें लगता है कि मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे महिपाल भैया ही हमारे लिए विधायक है। हम हमका इतना ख्याल रखने वाला, मैं तो कह दूंगा कि अपना पीठ का भाई भी अगर होता भाई खेसारी जी तो उतना ख्याल नहीं करता। तो इनकर कर्जा उतारल जाए ना, हाथ उठा के बतावा जा कुलजानी सिंह जी से, कर्जा उतरी ना, कार के निशान पर मोहर लगी ना, पगड़ी का सम्मान रही ना। तो मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि खेसारी भैया के दिन से कार्यक्रम शुरू करावल जाए, रात दिन करावल जाए कार्यक्रम। ऐसा हुआ पिछले बारे वादा किए थे और अगले बार मैं कह रहा हूँ खेसारी भाई, इससे भी बैकग्राउंड कराने का काम आपका एक मनोज करेगा। छपरा सारण बिहार जितना भी सम्मानित लोग बा सबके गोर छुके गोर लगतने को ताली बजा के आशीर्वाद दे दिया। और दोबारा हैदराबाद में आवे के अवसर प्राप्त भई ओकरा खातिर आप सबके दिल से धन्यवाद। किरेवलो की इतना खेसरिया के प्यार कर ले कि खेसरिया दुनिया के कोनो कोना में जाई तरह लोग इतने सम्मान और आशीर्वाद दे ले, तो थैंक यू सो मच। मैया के पसंद हेलो। हाँ इसी तरह बढ़ा के रखिए ना, शुरू होते ही बंद होना शुरू हो जाता है। सुनिए नहीं बढ़ा के रखिए सब, वो हमें सुनाई नहीं देगा तो हम नहीं गा पाएंगे। बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए बढ़ाइए बक्स में दोनों में। कृष्णा बेदर्दीता खेसारी पूजा करे कि बाबा अखिलेश अपना घरे कल सा धरे। आ बाबू तो कृष्णा बेदर्दी खेसारी पूजा करे। मन कर दयचे अभिमान वालू अभिमान तो वाल సిఏ గారు ఎస్ఐ గారు అందరు చెప్తా ఉన్నా ప్లీజ్ ఏమనకండి ఒక దెబ్బ తల్గుదాళ్ళకు సిక్కియాకే బిని బిని అరి హసన్ లగైతి दीजिएगा क्योंकि ये
आँख है ना, और हमारा कस कहें ना जो पीछाऊँ आँख बा हमारा, तो ध्यान दियो। किसी की एक बीन बीन आसन लगई थी वही आसन पर बहुत अच्छा, आपको अवार्ड मिलेगा। अब रहा दलो छुट बाद में होगा। अक्षरा जी आप इधर आ जाइए, इधर कुछ बानर लोग हैं। अक्षरा जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिंगर भी हैं, बहुत अच्छी भोजपुरी की सबसे बेस्ट डांसर भी हैं, बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। प्लीज गायकी ठीक है, लेकिन हम लोग को जीने दीजिए महाराज। आप ही लोग जीने आराम किए तो इस गाने पे भी आ गए हो। एक कैसी बातें कर रहा है भाई तुम? मेरे नाम अनबू ना मानव, कैसे मान चाहिए हो? कि दिल टूटला के अब तयाराज हो जाई, कि तोहरा चलते ही दीवाना रनबाज हो जाई। अगर आपको मुझसे प्यार हो गया तो क्या होगा? हैदराबाद उखड़ जाई। हैदराबाद तो तुम उखड़ जाई, अभी तो हमारा लागत है जहू लाइट उखड़ गल बा। अभी तू खाली है जी अइलू तहू लाइट उखड़ता। तू एगो काम करो, बैठी जा भाई थोड़ा देर, 10 मिनट तू बैठा, ना तो सामान उखाड़ के लेके चल जा। मैं एक गाना गाऊंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि अक्षरा जी भी आई हैं तो इनका भी आप लोग कुछ गाना बजाना सुनिए, उसके बाद हम के दोनों अभी मिल के गाए जा, ठीक ना? इनका एक बड़ा प्यारा गाना, मुझे आपका एक गाना मुझे बहुत पसंद है। कि जवानी तोरे खतरे खतरे, जवानी मोरे गतरे गतरे, सुनाए बाबू खतरे खतरे, कतरे करावे ना हो कमरिया पतरे पतरे। ये घटना हुई होगी, वो मेरा भाई बीच से नहीं, हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उसके बाद किसी पिता की हिम्मत नहीं होगी कि इतना बड़ा कार्यक्रम सिर्फ अपने बिहार यूपी के लोगों के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए कराए। मुझे लगता था कि वही ग्राउंड छोटा है, अब हमको कहाँ ले जाइएगा, एयरपोर्ट के अंदर करा दीजिए। हाँ करा दीजिए, अब खेसरिया भूकंप होता ना जल्दी सुधरी। आइए भूकंप खेसारी लगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाइए, आपका ये बेटा आपका ये भाई, इतना प्यार आप लोग देते हैं कि जिंदगी में मैं इसीलिए अपने आप को सबसे अमीर आदमी समझता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं, मैं लोगों का जूठा धोया हूं ये सब लोग जानते हैं, मैं कम से कम 10 घरों में झाड़ू पोछा किया हूं ये सब जानते हैं, मैं दूध बेचा हूं ये सब जानते हैं, मैं लिट्टी बेचा हूं ये सब जानते हैं। ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। लोग कहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोलते हो, मैं इसलिए बोलता हूं कि एक लिट्टी बेचने वाला, एक लोगों के घर में नौकर, अगर इतना बड़ा स्टार आप सबके प्यार से बदल सकता है तो आप ही मेहनत करिए, एक दिन आप ही बनिएगा। तो जिंदगी में आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनने के लिए करोगे तो नहीं बनोगे, करते जाओ बनते जाओगे, जिंदगी का दस्तूर यही है। बनने के लिए कोई आज तक किया है और बना नहीं है, करते जाओ मेहनत से, भागो मत, जितना दौड़ोगे उतना ही नजदीक रास्ता होगा। अब पैदल चल के तू स्टेशनों ना पहुंचबो,
दौड़ेंगे उतना ही नजदीक आपकी मंजिल होगी, तो दौड़िए कि आठवीं आठवीं शुक्रिया। और यहाँ पर जिस मौके पर जिस कारण से हम लोग आए हैं, हम एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि हम सब एकत्रित हुए हैं महिपाल जी के बुलाने पर। आज इतना सुंदर माहौल, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से यूपी बिहार के तमाम खूबसूरत चेहरे यहाँ हैदराबाद के धरती पर देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ महिपाल जी के कारण ही संभव हो पाया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा एक बार और करते हैं सर, की वजह से, जिनके आशीर्वाद से आज इस मंच पर जिस ताकत से खड़े होने के काबिल बने हैं। उन गाँव के लिए ये डेडिकेटेड गाना है, जो हर मंच पर शुरुआत इसी गाने से हम करते हैं। माँ है तो ये सृष्टि है, माँ है तो ये दुनिया है, और माँ है तो आप और हम हैं। ममता न माता समान कही कोई, माता बिना दूर पूछे न कोई। एक बार जोर से बोल दीजिए मेरे साथ, जय जी अमर। अगला गोना है राजा, यह अगला गुना आज खींच ले। अब आइए ना 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 ना, आज हाथ के साथ ताल में मिलाइए, हाथ के साथ हम हाथ के। हाँ जी, कि आज खींच ले हब दे से रजाई, आज खींच ले हब दे से रजाई। ओ भाई में तहरा आग ला गुना, खींच ले हब दे से रजाई। ओ भाई में तहरा आग ला गुना। महिपाल जी, इस इंसान के लिए जोरदार हल्ला करके ताली बजाओ, क्योंकि देखिए आचार संगीता का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अगर आप चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और ये सारे कलाकार आप सबका भरपूर सेवा करें, तो थोड़ा देर 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लो यार। आप लोगों के इस कार्यक्रम को बिहारी यूपी लोग, ऐसे भाई लोग को धन्यवाद। आप लोग घर पहुंचना चाहिए, संभाल के घर पहुंचना चाहिए। इस प्रोग्राम को अपना केसी लाल यादव जी क्लोज कर रहे हैं, आप लोग आराम से घर को चलाइए। धन्यवाद आप लोगों को। आचार संहिता लगा लो भैया, आचार संगीता का प्रॉब्लम है, नहीं तो ये कार्यक्रम हम लोग बहुत देर तक करते। लेकिन चुनाव के बाद आप चिंता मत करिए, मैं आऊंगा और 5 बजे शाम से कार्यक्रम 10 बजे रात तक चलेगा।